अच्छा, अभी हम जिस एरिया में मौजूद हैं, इस एरिया के एमेनिटीज के बारे में बताएं, और ये कौन सा एरिया है? जी बिल्कुल, अभी हमारा क्योंकि टूर चल रहा है रिजॉर्ट का, ये पूल एरिया फर्स्ट पूल एरिया है। बेस्ट हमारे डिफरेंट पूल वगैरह यहाँ डेवलप हो रहे हैं। ये पहला एरिया होगा जो पब्लिक पूल होंगे उसका फर्स्ट एरिया भी डेवलप हो चुका है। अगर अभी हम आपको दिखाएं तो ये देखें, एक पूल डेवलप हो चुका है हमारा। इसका साइज है 17 feet by 34 feet, 17 by 34 का पूल है ये। और एक साइड से ये इन्फिनिटी है, इसको सेमी इन्फिनिटी कह सकते हैं। अभी आप कैमरे में भी दिखाइएगा कि इसका ग्लास है, ग्लास वाली फील आ रही है इसमें। ये अगर आप देखें तो ये इसकी ये ग्लास है इधर से, और इधर से पानी आउट होगा, बाहर जाएगा, और सामने देखें तो सारा व्यू आ रहा है। इसको प्रॉपर प्लान किया गया, प्लान करके डिज़ाइन किया गया, ऐसी लोकेशन पर डिज़ाइन किया जाए जहाँ से व्यू ओपन हो और फॉरएवर ओपन हो जी। तो ये वाला एरिया जहाँ पे यहाँ पे डे बेड्स आ जाएंगे, ये एरिया आप दिखाइए काइंडली, यहाँ पे सन बाथ और डे बेड्स आएंगे सारे लाइन में ये, ठीक है जी। इधर 10 to 12 डे बेड्स आ जाएंगे। यहाँ पे वॉल आ रही है हमारी, वॉल मीन की वुडन वॉल है, वो एस्थेटिकली अच्छी लगेगी। ये इधर डे बेड्स आ रहे हैं, ये आपका पूल आ गया। पूल की डेप्थ मैक्सिमम 5 feet है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 feet है, बच्चे भी इसमें से स्विम कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ा फीचर इसका ये है कि ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल होगा, मीन इवन विंटर में भी आप इसमें स्विमिंग कर सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। ये आप देखें, बहुत हाई एंड स्टेयर इसकी डेवलप की जा रही हैं। ये स्टेयर एरिया, यहाँ से लोग जब आएंगे तो ये कॉमन एरिया सारा, यहाँ पे कुछ जूस बार्स वगैरह बन रहे हैं, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप बन रही है ऊपर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जगह, ये जितने वॉल्स हैं हमारे, ये वॉल्स मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये वॉल्स फीचर्ड वॉल्स हैं सारी, ये जितनी वॉल्स हैं ये वाटर फीचर्ड वॉल्स हैं, मीन ये जितनी दीवारें बनेंगी इनमें फाउंटेन और पानी और लाइटिंग होगी और पानी इसमें से थ्रो नीचे गिर रहा होगा, मतलब विद वॉल्स विद वाटर फीचर्स हैं ये। ये जो कॉर्नर है ये 2-3 हमारे प्लान्स हैं, हम शायद इसको जूस कॉर्नर बना दें, स्नैक्स कॉर्नर बना दें, या शायद इसको जस्ट सिटिंग का बना दें, एलिवेटेड सिटिंग बना दें। ये कॉमन एरिया है, यहाँ लोग गेट टुगेदर करेंगे, बैठेंगे यहाँ पे, सामने पूल होगा, पानी होगा। ये जवेरिया अगर आए तो इस एरिया को मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा मशीन रूम है इसका, जिसमें स्विमिंग पूल का मशीन वगैरह होती हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ बन रही है जो कि अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत कम पूल्स के साथ है। ये पूल है आपका, ये डेक है, यहाँ एलिवेटेड डेक होगा जो कि आप हवा में चले जाएंगे, मतलब कंटिलीवर हो जाएगा यहाँ से, एलिवेट थोड़ा सा एलिवेट करके, और इसको आप उन दरख्तों के बीच में चले, मतलब आपकी जो चेयर होगी सिटिंग होगी वो दरख्तों के दरमियान में होगी। अच्छा। ये एरिया, ये जो एरिया डेवलप हो रहा है इसके साथ सोना स्पा डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये चेंजिंग रूम्स हैं और शावर रूम्स हैं हमारे, जो स्विमिंग के बाद आप शावर लेते हैं या चेंजिंग करते हैं उसके लिए हैं। ये 2 रूम यहाँ सोना स्पा आ जाएंगे और ये हमारा डेक आ जाएगा, और मिडल में जितने भी है ये सारी सिटिंग है। तो यहाँ पे अगर बड़ी कोई इवेंट करना हो, कोई पार्टी करनी हो, 50 लोग 100 लोग भी हों तो यहाँ बहुत ईजीली अकोमोडेट हो सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट इसका फीचर है वो इसका ये जो मैंने डेक दिखाया वो है। तो अभी मैं आपको बाकी जगह दिखाता हूँ, अभी जो जहाँ पे हमारे गजीबूज वगैरह आने हैं वो ऊपर वाली है। ये जो एरिया है ये है गजीबूज का एरिया, यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग के गजीबूज होंगे, एक थीम बेस्ड गजीबूज होंगे जहाँ पे फैमिलीज और लोग, जिसमें कर्टन होता है दोनों साइडों पे और बीच में उसके बेड होता है जहाँ पे लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेक्टिव और बहुत डिफरेंट लेवल का हम पूरे एरिया डेवलप कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ रिव्यूज थे, बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे ये डेवलप होगा तो अपडेटेड वीडियो और इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत ही अच्छा ओवरव्यू लगा मुझे, इमेजिन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फ्यूचर में जो बनेगा ये नेक्स्ट लेवल होगा। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी इंटरनेशनल लेवल का ही काम होगा। तो अभी हमें नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं, चलें लेट्स गो।